हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड, मतलब एसी मशीन। तो हम लोगों ने कल देखा था आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या, तीन तरीके का लोड देखा था कि अगर आप रेजिस्टिव लोड हो तो क्या होता है, अगर आपका इंडक्टिव लोड हो तो क्या होता है, अगर आपका कैपेसिटिव लोड हो तो क्या होता है, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन में हमने देखा था कि आर्मेचर फ्लक्स का मेन फील्ड फ्लक्स के ऊपर जो इफेक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन, क्लियर। और उस तरीके से हम लोगों ने आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होता है कि जो आपका इंड्यूस्ड वोल्टेज है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, टर्मिनल वोल्टेज है, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, वो कम ज़्यादा हो सकता है, या आपका इंड्यूस्ड वोल्टेज के अंदर जो हार्मोनिक है वो जनरेट होते हैं। तो पहला देखा ना कि देखा था कि अगर प्योर रजिस्टिव लोड अल्टरनेटर से कनेक्टेड हो तो उस केस में क्या होगा कि जनरेटेड ईएमएफ के अंदर क्या होता है कि हार्मोनिक जनरेट होता है, ठीक है, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। जब आपका इंडक्टिव लोड था, ठीक है, उस टाइम पे जो आपका टर्मिनल वोल्टेज था वो आपका कम हो रहा था, ठीक है। और जब आपका कैपेसिटिव लोड कनेक्टेड था उस टाइम पे आपका क्या हो रहा था कि टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से आर्मेचर रिएक्शन का हम लोगों ने इफेक्ट देखा था, क्लियर, कि इस तरीके से आर्मेचर रिएक्शन होता है। और देन उसको हम लोग कैसे मतलब उसको कम भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसी के टर्म्स में कुछ पॉइंट्स हैं वहाँ पे, इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखें यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन इज इंडिकेटेड एज रिएक्टेंस ड्रॉप IAX है, ठीक है, कि जो आपका आर्मेचर रिएक्टेंस है उसको आर्मेचर जो रिएक्शन है उसको आर्मेचर रिएक्टेंस ड्रॉप के रूप में भी हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, रिएक्टेंस ड्रॉप IA × X। IA आपका क्या है, आर्मेचर करंट है, और XA क्या है आपका, आर्मेचर रिएक्टेंस है, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन को हम लोग इस तरीके से आपका रिएक्टेंस ड्रॉप के रूप में भी हम लोग प्रेजेंट करते हैं, क्लियर। सिंस आर्मेचर रिएक्शन इन्फ्लुएंस ओनली ऑन द फ्लक्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि जो आपका जो आर्मेचर रिएक्शन है किससे इन्फ्लुएंस है, फ्लक्स के मैग्नीट्यूड पे। हम लोगों ने देख रहा था कि मेन आर्मेचर फ्लक्स का मेन फील्ड फ्लक्स पे जो इफेक्ट होता है उसी को बोलते हैं आर्मेचर मार्क। इसमें गेम किसका है, फ्लक्स का ही तो है, फ्लक्स का ही तो। एक बार नेट फ्लक्स कम हो रहा था तो आपका ईएमएफ है वो कम जनरेट हो रहा था, एक बार जब आपका नेट फ्लक्स है ज़्यादा हो रहा था तो ईएमएफ ज़्यादा जनरेट हो रहा था, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका जो फ्लक्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट इज नॉट इंडिकेट एज रजिस्टेंस ड्रॉप, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि ओनली जो रजिस्टेंस ड्रॉप को ही नॉट नहीं इंडिकेट करता है, आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट इज नॉट ओनली इंडिकेट एज रेजिस्टेंस ड्रॉप सिंस ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन नो पावर लॉस आर प्रेजेंट। आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होता है कि कोई भी पावर लॉस प्रेजेंट नहीं होता, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, कि अपना पावर लॉस जो है वो प्रेजेंट मत दिख ही नहीं रहा अपने को, ठीक है। तो इसमें आर्मेचर रिएक्शन की वजह से क्या हो रहा था कि जो टर्मिनल वोल्टेज है वो आपका रिड्यूस हो रहा था, क्लियर। तो देखिए सिंपल, यहाँ पे एक इक्वेशन है इन केस ऑफ अल्टरनेटर, ठीक है। इसमें हमारा ईएफ बराबर होता है वी प्लस IARA प्लस जे IAXL प्लस जे IA × XA, ठीक है, इन केस ऑफ आपका हो रहा था आपका अल्टरनेटर के केस में, ठीक है। आपका IA क्या है, आर्मेचर करंट है, RA क्या है, आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस है, XL क्या है, XL क्या है आपका रिएक्टेंस है, ठीक है, और XA भी है आर्मेचर आपका रिएक्टेंस है, ठीक है। तो देन यहाँ पे देखिए कि अगर हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो इस सारे टर्म्स में IA जो है कॉमन है, जो IA को हम लोगों ने कॉमन कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, RA बचा, ठीक है, प्लस यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि इस आयोटा को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा XL प्लस XA, और देन हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस है, ठीक है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस है वो किसके बराबर होता है, XL प्लस XA, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस रिएक्टेंस हो जाएगा। तो इसको देन फिर मॉडिफाई करें तो EF बराबर आ गया V प्लस IA RA, ठीक है, और इस वाले टर्म को हम लोग ने क्या लिख दिया है, J × XS, क्लियर क्लियर है, ठीक है। और इस पूरे टर्म को हम लोग लिख सकते हैं ZS, सिंक्रोनस इंपीडेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस इंपीडेंस, सिंक्रोनस इंपीडेंस। तो यहाँ पे आपका एक सिंपल सा रिलेशन चल के आया, EF बराबर V प्लस IA × ZS, ZS आपका क्या है, सिंक्रोनस इंपीडेंस है, ठीक है, और जो सिंक्रोनस इंपीडेंस का ये पार्ट होता है आर्मेचर
रेजिस्टेंस आपका एक्सएल एंड एक्सए, ठीक है। तो आपको ये वाला इक्वेशन ध्यान में रखने का जरूरत है, ई एफ बराबर आपका क्या आएगा, वी प्लस आई इंटू जेड एस। इसी पर हम लोग बहुत सारी चीज़ों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, अगर आपका लैगिंग हो या लीडिंग हो, क्लियर। तो आगे हम लोग इसमें और देखते हैं क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए इसमें आगे हम लोग देखेंगे कि जब आपका लैगिंग लोड हो, ठीक है, जब आपका लोड किस तरीके का लैगिंग लोड, ठीक है, जब आपका लोड किस तरीके का लैगिंग हो, ठीक है, जब लोड लैगिंग, तो यहाँ पे ये आपका, आपको इस ई एम एफ इक्वेशन के बारे में ध्यान रखना है कि वी प्लस आई ए आर ए प्लस जे आई एन टू एक्स एस, ठीक है, ये आपका ई एम एफ इक्वेशन है अल्टरनेटर के केस में, ठीक है। ये आपका क्या है, जनरेटेड ई एम एफ है, वी आपका टर्मिनल वोल्टेज है, आई आपका आर्मेचर करंट है, आर ए आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस है, और एक्स एस क्या है, सिंक्रोनस इंपेडेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसमें हम लोग क्या किया कि ये जो आपका वी है ना, इस वी को हम लोग क्या करते हैं, इस वी को हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस मान लेते हैं, क्लियर है। वी को हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपका आई ए है वो थीटा डिग्री एंगल से क्या हो रहा है, लैग कर रहा है, ठीक है। जो आपका ये आई ए है, ठीक है, वो आपका थीटा डिग्री एंगल से क्या हो रहा है, लैग कर रहा है, ठीक है। तो देन ये जो टर्म है आई ए आर, ये भी क्या करेगा, आपका जस्ट इसके पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्या करेगा, लैग करेगा वोल्टेज से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आई ए इंटू आर, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि जे आई ए इंटू एक्सिस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस पॉइंट पे ये क्या करेगा, लीड कर रहा है 90 डिग्री पे, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये लीड कर रहा है 90 डिग्री पे, तो ये क्या हो जाएगा, आई ए इंटू एक्सिस, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि ब्लू वाली लाइन को हम लोगों ने रेफरेंस मान लिया, ठीक है, जहाँ पे ये जो आपका करंट है आई ए, ये थीटा डिग्री एंगल से क्या कर रहा है, ये लैग कर रहा है, थीटा डिग्री एंगल से लैग कर रहा है। तो देन ये जो टर्म है आई ए इंटू आर ए, ठीक है, जस्ट इसके लैग कर रहा है, ठीक है। तो ये भी इसके क्या होगा, पैरेलल होगा, इसी का पैरेलल होगा ना, जब आई ए, आई ए का पैरेलल होगा, ये थीटा डिग्री एंगल से आपका क्या हो रहा है, लैग कर रहा है। तो ये आपका जो पार्ट होगा वी से, ये भी क्या करेगा, लैग करेगा। तो ये कितना होगा, आई ए इंटू आर ए, और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है 90 डिग्री से, ठीक है, 90 डिग्री से ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आई इंटू एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल सा कि यहाँ पे एक तो आपका थीटा है, साई है और डेल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो डेल है ना, ये जो डेल है ये आपके, इसको हम लोग बोलते हैं लोड एंगल, दिस द लोड एंगल, क्लियर। जो आपका थीटा है वो है आपका पावर फैक्टर एंगल, और जो आपका साई है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल पावर फैक्टर एंगल, ठीक है। इट इज़ द लोड एंगल, इट इज़ द पावर फैक्टर एंगल, एंड इट इज़ द साई इज द क्या हो जाएगा, इंटरनल आपका पावर फैक्टर एंगल, ठीक है। अगर हम लोग साई की वैल्यू कैलकुलेट करें, अगर ये बड़ा वाला एंगल किसके बराबर होगा, ये बड़ा वाला एंगल ये दोनों के बराबर होगा, थीटा प्लस डेल के, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने लिख दिया कि जो साई है, जो बड़ा वाला एंगल है, वो किसके बराबर है, अगर थीटा प्लस डेल दोनों को ऐड कर दिया जाए तो आपका किसकी वैल्यू निकल जाएगी, इस साई की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो उसी चीज़ को मैंने लिख दिया कि साई इक्वल्स टू डेल प्लस थीटा, इसके बाद क्लियर है, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है, रिजल्टेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, यहाँ पे कि सबसे पहले थोड़ा सा डायग्राम में थोड़ा सा ये है, आप लोग इसको सही तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए रिजल्टेंट क्या होगा, अपने को ए सी निकालना है, ए सी, ठीक है, मतलब कि हम लोग किसी ट्राइंगल में, ठीक है, आपका ये बी सी, ठीक है। तो अगर अपने को ए सी निकालना होता है तो अपन क्या करते हैं, ए सी निकालना होता है अपन क्या करते हैं कि जो आपका ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और इसको अपन क्या करते हैं, ये डाल देते हैं, ठीक है, कि ये जो आपका किसके बराबर होता है, इन दोनों के बराबर, ये तो आपका बेस है, ठीक है, ये तो आपका बेस है, ठीक है। और देन ये क्या है, इस पर 90 डिग्री पे बना रहा है, और इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है, जो कि ठीक है। तो देन इसका कैलकुलेट करने में हम लोग रिजल्टेंट ही तो निकाल रहे हैं, तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला उसी तरीके से हम लोग निकालें यहाँ पे। तो ए सी का वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा, पहले ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपन सेट करेंगे इस वाले डायग्राम को, ठीक है, तो वेव फॉर्म को, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा जो आपका वेव फॉर्म है, ठीक है, ये, ठीक है, ये बिल्कुल एक लाइन में होगा, जो बी सी है वो क्या होगा, एक लाइन में होगा, ठीक है। अगर हम लोग बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं कि इन द ट्राइंगल ए सी बी, ये एक ट्राइंगल बनेगा ए सी बी, ठीक है। इसमें जो आपका जो रिजल्टेंट है ए सी, वो किसके बराबर होगा, ए बी प्लस आपका ए सी के बराबर होगा, ए बी प्लस ए सी के बराबर होगा, क्लियर। अब देखें यहाँ पे, अब हम लोग
ये जो ए बी है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम लोग लिख सकते हैं ए डी प्लस डी बी, ठीक है। उसी चीज को मैंने लिख दिया कि यहाँ पे ए बी को हम लोग लिख सकते हैं ए डी प्लस डी बी, ठीक है। अब ये देखिए जो आपका आपका बी सी है, बी सी को हम लोग लिख सकते हैं बी के प्लस के सी, ठीक है। तो वही चीज लिख दिया मैंने, बी के प्लस के सी का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, हम लोग बात कर रहे हैं ट्राइंगल ए सी बी में, ठीक है। तो जो आपका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ए बी आपका किसके बराबर होगा, ए डी प्लस डी बी के बराबर होगा, प्लस डी बी के। और जो बी सी है वो आपको किसके बराबर होगा, बी के प्लस के सी के बराबर होगा। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है ना, क्लियर। अब देखें यहाँ पे, अब हम लोग बात करते हैं ट्राइंगल ए डी एफ। आपका एक ट्राइंगल है ए डी एफ, अब हम लोग इस वाले ट्राइंगल में बात करते हैं ए डी एफ, ठीक है। ए डी एफ में हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे एंगल आपका क्या है, इस वाले ट्राइंगल में देखिए ए डी एफ में बात करते हैं, तो यहाँ पे जो आपका एंगल है कितना है, वो थीटा है, एंगल आपका थीटा है। तो ए डी किसके बराबर हो जाएगा, ए डी आपका अगर हम लोग ट्राइंगुलर कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं तो ए डी आपका बराबर होगा ए डी इक्वल्स टू वी कॉस थीटा, ठीक है, वी कॉस थीटा, क्लियर। और देन अगर हम लोग बात करें डी एफ, ठीक है, डी एफ ये जो ये वाला जो पार्ट है ये किसके बराबर होगा, ये होता है आपका जब हम लोग ट्रायंगुलर कंपोनेंट को हम लोग रिजोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो इससे तो आपका थीटा लगा हुआ है, तो ए डी आपका क्या हो जाएगा, वी कॉस थीटा, ठीक है। आपका ये आपका वोल्टेज कितना है, वी है, और ठीक है। अगर हम लोग डी एफ की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, वी साइन थीटा, वी साइन थीटा, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए कि जो आपका डी एफ, डी एफ आपका बराबर है बी के, जो आपका डी एफ है इस बी के बराबर, वाई, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, आपका जो डी एफ एंड बी के एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, क्लियर है। उसी तरीके से आप देखिए कि डी बी एंड एफ के आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, बराबर है, क्लियर। उसी चीज को लिख दिया मैंने कि डी एफ बराबर बी के, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के ये और ये और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल में है। उसी तरीके से आप देखिए कि डी बी, डी बी बराबर आपका एफ के, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, आई इंटू आर ए, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, आई इंटू आर ए, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्लियर है। अब वन बाई वन करके हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में सारी चीजों को बैठाना चालू करते हैं। तो ए डी, ए डी बराबर है वी कॉस थीटा डी बी, ठीक है। तो डी बी देखिए, डी बी बराबर कितना है, तो अभी हम लोग देखा कि डी बी बराबर एफ के बराबर आई एन टू आर ए, तो डी बी की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, आई आर ए का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग देखे बी के, ठीक है, बी के, तो जो आपका डी एफ है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है, और डी एफ की वैल्यू कितनी है, वी साइन थीटा, ठीक है। तो देन बी के की वैल्यू कितनी होगी, वी साइन थीटा। और के सी की बात करें, ये है आपका के सी, ये है आपका के सी, तो इसकी वैल्यू कितनी है, आई ए इंटू एक्सेस का स्क्वायर, ठीक है। और यही आपका इन केस ऑफ लैगिंग, लैगिंग लोड आपका, ये जो आपका यहाँ पे जो इक्वेशन निकलेगा, इसी को आपको ध्यान में रखना है, इसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। ई एफ बराबर वी कॉस थीटा प्लस आई आर ए का स्क्वायर प्लस वी साइन थीटा प्लस आई ए इंटू एक्सेस का स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल सा है, यहाँ से हम लोग इस ट्रायंगल से हम लोगों ने कैलकुलेट किया। आगे हम लोग देखेंगे कि अगर आपका लीडिंग लोड हो तो क्या होगा, क्लियर। देखिए ये लीडिंग का केस है, ठीक है, लीडिंग के केस में होता है ये बराबर, सिंपल सा वही इक्वेशन है, ये बराबर वी प्लस आई आर ए प्लस जे आई इन टू एक्स। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर रेफरेंस वोल्टेज को मैंने क्या मान लिया, वो मान लिया मैंने V मान लिया, क्लियर, V मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो IA है, ठीक है, वो आपका क्या कर रहा है, थीटा डिग्री एंगल से वो क्या क्या कर रहा है, वो लीड कर रहा है, ठीक है, IA लीड कर रहा है, ठीक है, क्लियर। तो उसी तरीके से जो IA RA है, देन यहाँ से ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये लीड करेगा, और ये जो आपका J IA into XS, अब यहाँ से ये क्या करेगा, 90 डिग्री एंगल से ये क्या करेगा, ये लीड करेगा, ठीक है, लीड करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, तो ठीक है। और यहाँ पे थीटा देखिए, ये जो आपका थीटा है किसके बराबर है, साइन प्लस डेल के बराबर है, क्लियर। तो सिंपल यहाँ जो लीडिंग के केस में जो आपका इक्वेशन आता है, कुछ नहीं करना है आपको, सेम लैगिंग वाला ही केस है, ठीक है, वी कॉस थीटा प्लस आई आर ए का स्क्वायर वी साइन थीटा, बस यहाँ पे वहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। लैगिंग के केस में यहाँ पे प्लस था और लीडिंग के केस में अपने यहाँ पे माइनस आ जाता है, बस अपने को इसी को ध्यान में रखना है, ठीक है, कि लीडिंग के केस में आपका जो EMF EF होगा वो होगा V cos थीटा प्लस आई आर ए का स्क्वायर प्लस V sin थीटा माइनस आई ए एक्स स्क्वायर, ये होता है आपका लीडिंग के केस में, ठीक है।
तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. क्लियर?